हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्सरसाइज 2.5 है ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिल गया होगा। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं, आपको उन फॉर्मूला का यूज़ करना है और फॉर्मूले का यूज़ करके इसको इसको और इसको ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखें, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज, आपके पास 2.5 है, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि है एक्स प्लस फोर को मल्टीप्लाई करना है हमें x प्लस 10 से। और जिस फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूले का यूज़ करके ही करना है, तो वो फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b, जो होता है इक्वल x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैंने लिखा है इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, ये रहा वो फॉर्मूला, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और हिंदी में कहते हैं सर्वसमिका, बीजीय सर्वसमिका। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब जो क्वेश्चन है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस 10। अब जैसे इसको जैसे ऐसे लिखा है वैसे ही इसको भी लिखना है। तो x की जगह x है, 4 की जगह a है, x की जगह x है, 10 की जगह b है। उसी तरीके से ये जो x है, x की जगह x ही रहेगा, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रह गया। a की जगह पे कौन है देखें, 4, तो यहाँ पर लिख दो 4 प्लस b की जगह कौन है देखें, 10 है, तो b के प्लेस पे हमने 10 लिख दिया। x के प्लेस पे कौन है, x ही है। a के प्लेस पे कौन है, 4 है, मल्टीप्लाई b के प्लेस पे कौन है देखें, 10। तो x स्क्वायर को आपने ऐसे ही लिखना है, 4 प्लस 10 होता है 14, 14 को x से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, 4 प्लस 10 हो गया 14, बाहर है x, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40। तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम, सेकंड पार्ट हमें कैसे करना है। क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर पहले ही देख लिया होगा। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 10 से। तो पहले क्या करना है, जो रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है वो लिख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर भी करना है आपने। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो मैंने इसको ग्रीन बॉक्स में बंद करके रख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये फॉर्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन में, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये है x प्लस 8 और x माइनस 10 साथ में है। अब जरा इसको इससे कंपेयर करें, x की जगह x है, a की जगह 8 है, x की जगह x है और b की जगह क्या है, माइनस 10। b की जगह क्या है, माइनस 10। तो x की जगह x ही रहेगा, a की जगह क्या लिखना है हमने देखो क्या है, 8 है, प्लस b की जगह क्या लिखना है हमने, माइनस 10, बाहर क्या है x, प्लस a की जगह क्या लिखना है हमने, 8, और b की जगह क्या लिखना है हमने, माइनस 10। समझ में आ गया होगा, x स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 10, ये x हो गया,
8 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -80, तो -80 लिख दिया। x स्क्वायर 8 -10 होता है आपके पास -2, तो लिख दिया हमने -2, साथ में x है और लास्ट में 80 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब तीसरा पार्ट देखें, तीसरा पार्ट है 3x plus 4 3x minus 5। तो अब पहले हम क्या करते हैं, ऊपर ये जो मैंने यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लिख कर दी थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वसमिका, यहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, तो इसी का इस्तेमाल होगा तो कैसे करेंगे जरा देखो, x plus a x plus b, पूरा यही लिख देता हूँ, x square plus a plus b x plus a b। अब क्या करना है, आप ये देखो, ये तो पूरी हो गई आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लीजिए सर्वसमिका, तो इसको सॉल्व करके आपने ये लिखा है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है आपने, तो कैसे करेंगे देखें। तो पहले मैं नीचे लिख लेता हूँ 3x plus 4, 3x minus 5 लिख लिया। अब सबसे पहले ये देखें कि 3x की जगह कौन है, x, ध्यान रखना, सॉरी x की जगह कौन है 3x, x की जगह 3x होना चाहिए, a की जगह कौन है 4, x के प्लेस पे कौन है 3x, b की जगह कौन है -5। तो यही हिसाब यहाँ पर भी करना है, x की जगह किसको रखना है 3x को, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस a की जगह किसको रखना है देखो 4, प्लस b की जगह किसको रखना है -5, x की जगह किसको रखना है 3x, प्लस a की जगह किसको रखना है देखो 4 है, b की जगह किसको रखना है -5। समझ में आ गया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, और साथ में ये क्या है x स्क्वायर है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये है हमारे पास 5, ये है 3x, 4 को अगर -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -20। इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दिया, 4 -5 होता है -1, और साथ में ये क्या है 3x -20, 9x स्क्वायर -1 को अगर 3x से करो मल्टीप्लाई तो 3x ही आएगा, और लास्ट में हमारे पास -20। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके जो दो क्वेश्चंस बचे हैं आपके इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।